वेलकम टू माय चैनल पीयर एडवाइज़र्स। इस वीडियो में बात करूँगा कौन कौन सी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी बिफोर आईटीए, अगर आपने जीसी की में लॉगिन कर रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको रियल व्यू दिखाऊँगा कैसे कैसे दिखता है अंदर और कैसे करना होता है। तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी पड़ेगी। पर्सनल डिटेल में क्या रहेगा, आपका नाम रहेगा, उसके बाद आपका पर्सनल डिस्क्रिप्शन, मैरिटल स्टेटस, सारी की सारी पर्सनल डिटेल रहेगी। और सिंपल सिंपल आईडी डॉक्यूमेंट, अपना पासपोर्ट का सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। इमिग्रेशन हिस्ट्री में वीज़ा किसी का अप्रूव हुआ है कंट्री का, रिफ्यूज़ हुआ है, वो भरना पड़ेगा। अपनी फैमिली, इमीडिएट फैमिली की इंफॉर्मेशन, अगर कोई रिलेटिव्स है कनाडा में उसकी डिटेल, बहुत सिंपल रहेगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल रहेंगी। कॉन्टैक्ट डिटेल में दो चीज़ें रहती है, कौन सी लैंग्वेज में आप कॉरस्पॉन्ड करोगे, और सेकेंड रहता है कौन सा आपकी ईमेल आईडी है, वो दैट्स इट। स्टडी एंड लैंग्वेजेस में रहेगा सारी की सारी एजुकेशन हिस्ट्री आपको फिल करनी पड़ेगी, अगर आपने बैचलर कर रखी है उसकी सारी की सारी हिस्ट्री, कौन से कॉलेज से कर रखी है वो पूछेंगे, फील्ड ऑफ स्टडी कौन सा है, कब से कब तक कित फुल टाइम था, कंट्री कौन सी है। उसके बाद वो पूछेंगे कि कैनेडियन डिग्री आपके पास को अवार्ड है, नहीं है तो नहीं होगी, और अगर आप आउटसाइड कनाडा हो तो वो पूछेंगे ईसीए करवा रखी है, करवा रखी है तो नंबर मांगेंगे, अगर किसी भी वेस्ट से करवा रखी है तो वेस्ट का नंबर, उसकी कब से कब तक वैलिडिटी है वो फिल करना पड़ेगा। अगर मास्टर कर रखी है तो इसको सेव एंड ऐड करके नेक्स्ट दोबारा सारा फिल करके सेव एंड ऐड कर दो। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज में वो अपना आइल्स का आप डाल सकते हो, आइल्स का स्कोर कार्ड का जो भी स्कोर मार्क्स और इसका नंबर पूछेंगे वो फिल करना होता है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन डिटेल्स। तो एप्लीकेशन डिटेल्स में क्या रहता है, सबसे पहले तो आपको टिक करना रहता है कि कौन सी प्रोविंस और टेरिटरी में आपको इंटरेस्ट है। तो बेस्ट है ऑल प्रोविंसेस कर दो, जैसे मैंने ओंटारियो भी क्लिक कर रखा था क्योंकि मेरे को डाउट था कि ऑल प्रोविंसेस में ओंटारियो उठाएगा नहीं उठाएगा, क्योंकि मेरे को था कि मेरे को NOA आ सकती है ओंटारियो में से। और नीचे नीचे आप देख सकते हो ब्रिटिश कोलंबिया का और ओंटारियो का, दोनों का ये सेपरेटली एक्नॉलेजमेंट भी आपसे लेता है कि आप अगर हम नॉमिनेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजना चाहें तो आप यस करते हो या नो करते हो। नॉमिनेशन एंड सिलेक्शन में रहता है कि ये मैं बात कर रहा हूँ बिफोर ITA की, तो यहाँ पर नो रहेगा कि किसी भी ITA किसी भी प्रोविंस से नॉमिनेशन आई है नहीं आई है। इसके बाद रहता है रिप्रेजेंटेटिव, तो इसमें बहुत सिंपल रहेगा येस और नो, अगर तो आप खुद कर रहे हो तो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, अगर कोई है तो येस करना पड़ेगा। लास्ट में होता है वर्क हिस्ट्री, तो वर्क हिस्ट्री में आपकी सारी की सारी वर्क हिस्ट्री का रिकॉर्ड आपको डालना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको NOC कि आपकी NOC कौन सी है, यू कैन गूगल दैट, बट ये याद रखना NOC में कि आप वो NOC चूज़ करोगे जिसके साथ आपके काम के मैक्सिमम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैच करते हैं। मैक्सिमम आई मीन 80% 85%, कोई परसेंटेज गिवन नहीं है, बट हाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैच हों। और इसके बाद ये कन्फ्यूज़न बहुत रहता है लोगों को कि कौन सी डेट डालें जो उन्होंने पूछ रखी है क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस की। देखो दो डेट्स है, जहाँ तो आप डाल सकते हो कि जिस दिन आपने अपने जॉब स्टार्ट की और जिस दिन आपने लास्ट डिग्री, जैसे मैंने मास्टर्स कर रखी थी तो मास्टर जब मेरे को अवार्ड हुई तो मैं वो डेट डाल दी। उसके बाद रहता है कैनेडियन सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, ये मैंने नहीं था कैनेडियन तो नो आ गया। इंटेंडेड वर्क इन कैनेडा में जॉब ऑफर है नहीं है, नहीं था नो आ गया। और इस वर्क हिस्ट्री में आपको सारी की सारी वर्क हिस्ट्री डालनी पड़ेगी। सपोज़ आपने एक कंपनी में काम किया है और वो पूछेंगे कब से कब तक किया है और कौन सी कंपनी थी, कितने आर्स थे, NOC कौन सी थी, जॉब टाइटल कौन सा था, आप सेव एंड ऐड करोगे। अगर दूसरी कंपनी है तो फिर डिटेल फिल करके फिर सेव एंड ऐड करोगे। फाइनल वो पूछेंगे रिसर्च, रिसर्च में सिंपल रहता है कि कहाँ से पता चला एक्सप्रेस एंट्री का, फैमिली फ्रेंड से, न्यूज़लेटर से, वो कुछ भी क्लिक कर दो। तो ये था व्हाट आर द डिटेल्स यू नीड टू फिल इन द फॉर्म बिफोर ITA। और एक बात और, बिफ़ोर ITA आप कोई भी डिटेल चेंज कर सकते हो किसी भी टाइम। तो इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा आफ्टर ITA, आफ्टर ITA कौन से फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ते हैं। थैंक्स एवरीवन, डू सब्सक्राइब माय चैनल।
एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट. थैंक यू.